वो था करीब 149 के आसपास का तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरने के लिहाज से प्ले कर रहे हो तो 149, 152 ये टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस आप टाइट टेक लेके चले 144 के करीब बट पोजिशनली मैं चाहूंगा कि इस लेवल पे यू नो ये वन का जो लेवल है या ये इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज दे तब जो इसका रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल था ये क्रॉस होता हुआ नजर आएगा

और अगर इसको पार कर जाता है तो आई होप ये एक अच्छी पोजिशनल कॉल बन जाएगा ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप देखिए मैंने डेली चार्ट आपके लिए ड्रॉ किए हुए नीचे का बेस है ऊपर का 200 दिनों का एवरेज है थर्ड अटेम्प्ट है और हमने इसको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहते हैं ए बी आर एफ एल शेयर है तो एक अच्छा पोजिशनल कॉल है ये एक दिन में आपको रिटर्न नहीं देगा बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है कुछ ऐसे शेयर भी पोर्टफोलियो में डाल के रखो जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक बनता हो एक और शेयर मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में ना डी सी एम के दो शेयर हैं एक तो है डी सी एम लिमिटेड एक है डी सी एम इंडस्ट्रीज जरा दिखाएंगे दोनों शेयर्स दिखाना डी सी एम वाले थोड़ी देर पहले मैं मूल चंदानी जी से पता करा था सुमित से कि इन दोनों में से हमने 150 160 वाला शेयर डिस्कस किया था एक खाली डी सी एम वाला मत दिखाओ जिसके आगे डी सी एम श्रीराम लिखा हो यस एक तो ये और एक डी सी एम श्रीराम लिमिटेड के नाम से कंपनी होगी जो 150 का थोड़ी देर पहले आपने फायर किया था दोनों शेयर्स दिखाना स्क्रीन पर सुमित जी इन दोनों में ही कन्विक्शन है ना अभी हमने पहले एक वाले शेयर इसकी एक वाले की बात की थी अभी ये साढ़े नौ सौ वाला शेयर भी जरा चेक कर लो सर इन दोनों का बिजनेस अलग अलग है हालांकि ये हमने आपकी स्क्रीन पे लगा दिए सर दोनों शेयर डीसीएम श्रीराम श्रीराम है एक क्या आगे लिमिटेड लिखते हैं क्या आगे इंडस्ट्री लिखते हैं जी बिल्कुल वाली कंपनी थोड़ा फर्टिलाइजर वगैरह इस तरह की चीजें बनाती है हाँ यस बताइए सॉरी मिल गया सुमित जी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं छोड़ दीजिए बाद में जब आपको मिलेगा ना तब के तब देख के बता देना ये इजीली इजी मिलता नहीं मैं सही बता रहा हूं अगर आप सौदा पंच करने जाओगे ना आप कंफ्यूज जाओगे डेढ़ सौ वाला था कि साढ़े नौ सौ वाला था देखो बकायदा कोडिंग भी एक है दोनों की डी सी एम श्री राम डी सी एम श्री राम बस एक ही फर्क है इंडस्ट्री और इंडिया ओ, लिमिटेड बस इतने ही फर्क है खैर कोई बात नहीं इसको छोड़ दे